हे फ्रेंड, वेलकम बैक दोस्तों। मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोग सामने एक नया वीडियो लेकर। एंड दोस्तों, आज हम लोग के पास आ गया है शाओमी की तरफ से रेडमी A2। दोस्तों, एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बन सकता है। अगर दोस्तों आप लोग एक सेकेंडरी स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो दोस्तों सबसे कम बजट में आप लोगों के लिए स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें इतने सारे स्पेसिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ना। दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, मैं इसके आप लोगों को सारे स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों ये स्मार्टफोन तो अभी 7 मंथ्स पहले लॉन्च हो चुका है, पर दोस्तों अभी भी इतना मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं ना। एंड दोस्तों, अगर आप लोग अंडर 5000 में एक बेस्ट स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च हुआ था 23 मई 2023 को। एंड दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन 13 विद गो एडिशन के साथ आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों, अगर अंडर 5000 रेंज के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें लगकर आ चुका है 5000 रेंज का सबसे पावरफुल प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी G36 का आप लोगों को यहां पर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों, यहां पर 2GB का आप लोगों को LPDDR4X रैम टाइप है। एंड दोस्तों, ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये दोस्तों है 64GB का eMMC 5.1 का आप लोगों को यहां पर स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। पर दोस्तों, जो डब्बे पर यहां इन लोगों ने स्कैम किया है, दोस्तों जो नॉन टैकी लोग हैं यहां पर इन लोगों ने 4GB रैम लिख दिया है, बल्कि दोस्तों यहां पर 2GB रियल रैम है। एंड दोस्तों 2GB का आप लोगों को यहां पर वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे को लगता है ये सब चीज़ें स्मार्टफोन ब्रांड्स को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर दोस्तों आगे बढ़े तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा IPS LCD डिस्प्ले है, जो कि दोस्तों आप लोगों को यहां पर एक 720p का डिस्प्ले दे दिया गया है। वाटर ड्रॉप नॉच आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस आप लोगों को यहां पर दे दी गई है, जो कि 5000 रेंज में दोस्तों मैं बोलूंगा अच्छी है थोड़ी सी। अगर दोस्तों आगे बढ़े कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोस्तों मैंने इस स्मार्टफोन को बहुत टेस्ट किया है। एंड दोस्तों मैं बोलूँगा 5000 रेंज में जो इसमें कैमरा लग के आ जाता है वो दोस्तों इतना अच्छा खास नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का या फिर दोस्तों 18 मेगापिक्सल का कैमरा होता तो दोस्तों ये अच्छा हो सकता था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लग के आ चुका है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि दोस्तों बहुत ही बेकार क्वालिटी की फ़ोटो निकाल के देता है। पर दोस्तों अगर 5000 रेंज में देखें तो दोस्तों क्वालिटी आप लोगों को उतनी ज़्यादा अच्छी तो देखने को नहीं मिल जाएगी। एंड दोस्तों 0.08 मेगापिक्सल का आप लोगों को एक और कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल काम का नहीं है। एंड दोस्तों आप लोगों को फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो कि दोस्तों सही है, 5 मेगापिक्सल के हिसाब से 5000 रेंज में सही है। पर दोस्तों जो बैक कैमरा है वो दोस्तों मेरे को लग रहा था थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते थे। अगर दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों फ्रंट एंड बैक दोनों से ही आप लोग 1080p 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। अगर दोस्तों आगे बढ़े बैटरी के मामले में तो दोस्तों कैमरा को डाउनफॉल करके यहाँ पर बैटरी में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट दे दिया गया है। 5000 mAh की आप लोगों को यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाती है, 10W की आप लोगों को चार्जिंग देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को टाइप A2 माइक्रो USB 2.0 का आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों और आगे बात करें तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर FM रेडियो का सपोर्ट मिल जाएगा। एंड दोस्तों 3.5mm का आप लोगों को यहाँ पर ऑडियो जैक भी दे दिया गया है। एंड दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ना ही आप लोगों को यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, ना ही दोस्तों इसमें फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आप लोगों को एक्सेलेरोमीटर का सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आगे बढ़े स्पीकर्स के बारे में अगर इसके बात करें तो दोस्तों स्पीकर्स में बोलूँगा इसके बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है। अगर 5000 रेंज में देखें दोस्तों मैं बोलूँगा हाँ, थोड़े से स्पीकर इसके लाउड मेरे को फील हुए हैं। सो दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन के रिव्यू के बारे में तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर दोस्तों एक 15000 का स्मार्टफोन या 20000 के स्मार्टफोन से भी कंपेयर करें तो आप लोगों को यहाँ पर 6.7 इंचेस का बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों डेली लाइफ यूसेज में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। हालांकि दोस्तों आप लोग यहां पर YouTube पर 1080p तक का वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसका वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प आप लोगों को निकल के आएगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी एंड वाइब्रेंस साइड ये ले लेता है डिस्प्ले। अगर दोस्तों मैंने अपने स्मार्टफोन से भी कंपेयर किया है सैमसंग से, एंड दोस्तों मैंने रियलमी से भी इस स्मार्टफोन को कंपेयर किया है, तो दोस्तों ये थोड़ा क्रिस्प साइड चला जाता है। एंड दोस्तों अगर आप लोग इसके डिस्प्ले को अगर इंडोर एंजॉय करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका डिस्प्ले में उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस भी नहीं है। लिटरली दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं इसमें जस्ट एक वीडियो कॉल या फिर कॉल भी पिकअप कर सकूँ, तो दोस्तों इसमें यह सब भी नहीं दिखाई देता है। पर दोस्तों अगर हम लोग इंडोर के बारे में बात करें 400 निट्स की आप लोगों को यहाँ पर पीक ब्राइटनेस। एंड दोस्तों स्पीकर तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दिया बहुत ही अच्छे हैं, आप लोगों को यहाँ पर स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों चार्जिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों चार्जिंग, हाँ
दोस्तों इसकी काफ़ी ज़्यादा स्लो मेरे को लगी है, 2 hours नहीं तो 2.30 आप लोगों को यहाँ पर इतने hours देखने को मिल जाएंगे, तब इतने में 5000 mAh की बैटरी चार्ज होती है। सो दोस्तों यही था Redmi A2। अगर दोस्तों आप लोग इसे सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके अगर प्राइस रेंज के बारे में बात करें यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 3 variants देखने को मिल जाएंगे, 2+32GB। दोस्तों ये तो बिल्कुल बेकार है, अगर दोस्तों हम लोग कोई भी इसमें ऐप इंस्टॉल करेंगे 32GB में डायरेक्ट भर जाएगा, इसलिए दोस्तों ये तो कोई बेकार है। अगर दोस्तों बात करें 2GB वेरिएंट 64GB स्टोरेज के साथ, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 5499 प्राइस में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, एंड दोस्तों 4x64GB वाला वेरिएंट इसका आप लोगों को 6999 में देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक नेक्स्ट स्मार्टफोन रिव्यू वीडियो में, एंड दोस्तों आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा, एंड दोस्तों आप लोग कौन से स्मार्टफोन से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं दोस्तों ये कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक दोस्तों मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।